उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार बस्तर सहित पूरे देश में माओवाद को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रही है, तो उसमें जबरदस्ती का प्रोपेगंडा करके सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि माओवादियों ने बस्तर क्षेत्र के विकास में रोड़ा अटकाने का काम किया है। आज उठकर खड़े हुए हैं और ये कहना चाहते हैं उन लोगों से जो मानवाधिकार की बात करते हैं और आकर के नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं, उन लोगों से कि इनके विषय पर चिंता क्यों न की जाए, इनके विषय पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता है, बस्तर के इस दर्द को क्यों नहीं समझा जाता है, बस्तर के लोगों के इस परेशानी पर कब चर्चा होगी। और उन लोगों को इस बात का ताकीद होना चाहिए, इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी के संकल्प से बस्तर से और पूरे छत्तीसगढ़ से, पूरे भारत से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें जबरदस्ती का प्रोपोगंडा खड़ा करके सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। क्या हुआ है नक्सलवाद से बस्तर में, ये सब आपके सामने है। श्री शर्मा ने कहा कि देश भर के लोगों को माओवाद समस्या की वास्तविकता का एहसास हो गया है। उन्होंने सुकमा में हुई नक्सली घटनाओं की भी निंदा की।